दो समकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई याद करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब देखो समकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, जिनके केंद्र एक ही होते हैं, वे व्रत जिनके केंद्र एक ही होते हैं समकेंद्री व्रत कहलाते हैं, है ना। जैसे कि आप ले लो, जैसे कि ये एक व्रत है ना, ये इसका क्या है, केंद्र है ना, और ये, अब दोनों का केंद्र एक ही है, अंदर वाले का भी केंद्र वही है और बाहर वाले का भी केंद्र वही है ना, तो ये समकेंद्री व्रत कहलाता है। एक ही केंद्र दोनों का केंद्र एक ही, ये समकेंद्री व्रत है। अब ये कहता है कि दो समकेंद्री व्रतों की त्रिज्या 5 की और 3 की है, तो उस बड़े व्रत की त्रिज्या के उस व्रत की बड़े व्रत की उस जीवा की लंबाई याद करो जो छोटे व्रत को स्पर्श करती है। तो ये जो बड़ा व्रत है इसकी जीवा जो छोटे वाले को टच करते निकलती है, ये जीवा है जो छोटे वाले को टच करके निकल रही है, ये जीवा इसकी लंबाई मान ली हमने ए बी है, क्या मान ली, ए बी इसकी लंबाई है। अब ये छोटे वाले की त्रिज्या यहां से यहां तक की इसकी त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या है। छोटे की त्रिज्या कितनी थी उसने, छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर, ये छोटे वाले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, और ये बड़े वाले की त्रिज्या, बड़े वाले की कितनी थी उसने, तो ये बड़े वाले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ये ओ। तो इस तरीके से आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, इसमें समकोण त्रिभुज है ना, ये समकोण त्रिभुज दिख गया आपको, है ना, ये आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए ओ यहां सी का ए ओ सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का कर्ण, कर्ण कितना, ए ओ कर्ण है वो 5 है, 5 का वर्ग, लंब कितना, ये 3, तो 3 का वर्ग, आधार कितना, AC, तो AC का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 3 का 9 धन AC का वर्ग, 25 माइनस 9 बराबर AC का वर्ग, तो बचेगा 16 बराबर AC का वर्ग, तो AC बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, AC बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की लंबाई ये कितनी है, ये भी 4, क्योंकि बराबर मध्य बिंदु है। तो अब पूरी जीवा कितने की, पूरी जीवा की बात करें, ए बी इसकी जीवा है, तो आधी 4 फिर आधी 4, तो 4 और 4 कितने हो गए, 8 सेंटीमीटर की, तो जीवा की लंबाई हो गई 8 सेंटीमीटर। तो ये तो कर्ण था, तो कर्ण की जगह 5, लंब की जगह 3, आधा निकाल लिया, उसका डबल कर लिया, जीवा निकल गई। तो इस तरीके से हमने जो बड़ा व्रत है उसकी उस जीवा की लंबाई याद कर ली जो छोटे व्रत को स्पर्श करती हुई गुजरती है।